तो आज हमारे हाथ में है फायरबोल्ट की एक और स्मार्ट वॉच, और ये स्मार्ट वॉच जो है बड़े ही अतरंगी नाम से आई है, जिसका नाम है एम्परर। राजा तो अभी इनके थोड़े पहले आई, यानी किंग, और अभी कोई भरोसा नहीं है, क्वीन भी लॉन्च कर सकते हैं, प्रिंस प्रिंसेस भी लॉन्च कर सकते हैं, बट फिलहाल आज जो वॉच आई है एम्परर, मेरे को तो ये बंदे को ढूंढना है, जो नाम रखता नहीं है कौन यार, कहां से इसके दिमाग में आता है कि ऐसे ऐसे नाम रखना है। खैर, लेट्स डू द जॉब, हमें हमारा काम कर रहा है। तो वॉच देखो आ गई है ऑलरेडी पहन के, अपन ने इस्तेमाल भी करी है, दिखने में तो बढ़िया लगी मुझे वॉच, और थोड़ी बहुत फीचर्स वगैरह जो हैं इसमें काफी अच्छे से दे रखे हैं, तो मैं समझाऊंगा डिटेल में, बट पहले अपन खोलेंगे डब्बा। डब्बे आपको देखने को मिलेगी बढ़िया ब्रांडिंग और कुछ की हाइलाइट्स के अलावा आपको देखने को मिल जाएगी कंटेंट के अंदर एक मैनुअल जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक मिल जाएगी चार्जिंग केबल, और वही मिल जाएंगे आपको कुछ गिफ्ट कार्ड जिनको आप QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो। बट आधे सीधे मेन वॉच को लेके, तो मेरे पास तो यहाँ पे दो कलर आ रखे हैं, एक तो ये पिंकिश कलर है और एक जो है ये ब्लैक फुल ब्लैक कलर है जो मैंने ऑलरेडी पहन रखा है, आप देख ही पा रहे होंगे मेरे हाथ में। अब यार कलर की बात करूँ तो यार फिनिश और लुक बहुत सही लग रहा है, और ब्लैक तो मतलब सदाबहार कलर है, कभी पहन लो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 22mm के स्ट्रैप प्रोवाइड कर रखे हैं जो इजीली रिमूवेबल है, निकालना है तो निकाल सकते हो, बट ये सॉफ्ट फील होते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर अलग है इसका, फील अलग है, मतलब जो पहले हमने फायरबोल्ट के जो बैंड देखे हैं ना उनसे तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम फील दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर डायल की बात करूं तो डायल बड़े प्यारा लगा मुझे, मतलब थोड़ा डिफरेंट है और लॉन्ग डायल देखने को मिलता है, यूजुअली ब्रॉड होते हैं बट ये इस तरीके से ब्रॉड है, थोड़ा सा देख सकते हो, समझ में आ रहा होगा देखने में फिजिकली। अब यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा रोटेटिंग क्राउन दे रखा है, आवाज हल्की आ रही है, तेज नहीं आ रही है, बट दे रखा है और फंक्शन अच्छा करता है, और नीचे आपको एक बटन दे रखा है ऑपरेट करने के लिए जो ये कस्टमाइजेबल है, अपने हिसाब से आप उसको डेडिकेटेड फंक्शन कस्टमाइज दे सकते हो। अब वहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे सेंसर, साइड में आपको मिल जाएंगे माइक्रोफोन और आपकी मेन ग्रिल। अब ये जो बॉडी है ये आपको देखने को मिलती है एल्यूमिनियम बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं बॉडी आपको अच्छी मिल जाती है, नीचे जो बॉटम सेंसर वाला एरिया वो प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर आपको यहाँ पे कर्व्ड ग्लास दे रखा है, और एजेस बड़े शार्प यूज कर रखे हैं, थोड़ा सा लुक आपको जो नॉर्मल स्क्वायर वाली वॉचेस आती ना उनसे आपको definitely different देखने को मिलेगा। बट जो इसका major impressive part है वो है इसका display, 1.96 inch का AMOLED display use कर रखा है, और भाई मैं personally इससे बड़ा impressed हूँ, colors बहुत punchy आ रहे हैं, साथ ही साथ जो display की brightness है वो बहुत तगड़ी है, 600 nits company का claim है। अब majorly इस watch के display को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके pixel resolution, 410x502 pixel resolution का इस display देखने को मिलता है, जिसके कारण sharpness बहुत अच्छी है, मतलब अब जैसे कि आपने कस्टमाइज फोटो वगैरह लगाना चाहोगे ना तो आप देखना आपको शार्पनेस बहुत प्यारी देखने को मिलेगी और क्लियर पिक्सल्स आपको देखने को मिलता है, तो वो मैं पर्सनली यहाँ काफी इंप्रेस हुआ, जिसकी वजह से डिस्प्ले के जो डिटेलिंग्स हैं वो काफी अच्छी उठ के यहाँ पे आ रही है, तो नो डाउट डिस्प्ले काफी इंप्रेसिव है। प्लस अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात कर लें तो वो भी आपको मिल जाएगा वॉच में, दो ही मिलेंगे आपको, एक डिजिटल और एक एनालॉग, तो वो आपको दे रखा है, वेगेशन वगैरह मिल जाएगा डिस्टर्ब करने में आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो जो भी फंक्शन है डिस्प्ले के वो सारे अवेलेबल कर रखे हैं। यही बात यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, देखो कंपनी तो क्लेम करती है अप टू 7 days, और चूंकि यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है तो मैक्स टू मैक्स आप 2 days की इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं अगर आप कॉलिंग यूज नहीं करने वाले हैं तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वॉच से, जो कि अराउंड 3 से 4 दिन का मिल जाएगा। अब रही बात यहाँ पे देखो दूसरी चीजों को लेके, तो आपको वाटर रेटिंग ये IP67 ही देखने को मिलती है, यहाँ थोड़ा सा डाउनग्रेड है, अगर IP68 होती तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता, स्विमिंग पूल वगैरह में ले जाने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब रही सेंसर की बात, तो सेंसर तो वही आपको मिलेंगे आपका SPO2 HR और एक्सीमीटर, तो ऐसा हार्डवेयर वाइज तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये वॉच फुलफिल करती है, बट एक जो मेजर अपडेट फाइनली इस वॉच में आपको देखने को मिलेगा वो है इसकी UI। फायरबोल्ट की जो वॉच की UI आपने देखी ना वो कहीं ना कहीं बहुत रिपीटेड और सेम देखने को मिलती है, बट इसकी UI में थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलता है, और जैसे कि देख सकते हो ना ऊपर सर्व करने में आपको सारे टॉगल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है आपको छोटा सा, और यहाँ पे DND है, कॉलिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, नीचे से करने पे तो नोटिफिकेशन वगैरह जो आ रखे आप उनको रीड कर पाओगे, साइड से करने पे आपका जो फंक्शन है मेन जो आपके फीचर्स हैं उनको आपको एक्सेस मिल जाएगा, कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐड कर सकते हो, और अदर साइड से करने पे आपको एक साइड बार अपीयर हो जाएगा जिसमें आपके रिसेंट ओपन ऐप जो है वो दिख जाएंगे। बट एक जो खास चीज़ नोटिस करने वाली है ना कि वो ये जो क्राउन डायल है आपका ये बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करता है पूरी UI से, तो मेन्यू में आप एप्लीकेशन और फीचर्स को इजीली जो है यहाँ पे स्विच वगैरह कर सकते हो, सेंटर टच पे जो है आपको यहाँ पर आपका मेन वॉच फेसेस वाला सेक्शन देखने को मिला जहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो जो दो वॉच पर ऐड कर रखे। तो यार UI बहुत स्मूथ वर्क कर रही है, फंक्शन वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी, लैगिनेस बिल्कुल फील नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पर्सनली इससे इंप्रेस हुआ और बेहतर UI यूज़ कर रखी है। अब आ रही बात फीचर्स को लेकर, तो मेजरली आपको कॉलिंग वाला फंक्शन देखने को मिलता है, आप कॉलिंग वाले फंक्शन में मेजर जो चीज़ होती है वो 3 चीज़ें, आपको डायल पिन मिल जाएगा, फेवरेट कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, और कॉल हिस्ट्री वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब अगर परफॉर्मेंस को लेकर, तो परफॉर्मेंस के लिए हम लोग करेंगे छोटा सा टेस्ट किस तरह परफॉर्मेंस इसके माइक देते हैं। जो आप सुन रहे हैं वो आ रही है वॉच के माइक्रोफोन से, जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत सही है जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करने वाले हैं।
अब रही बात यहाँ पे हेल्थ पर्सपेक्टिव वाले फीचर्स को लेके, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे एसपुट हो गया, एचआर हो गया, एक्सीलोमीटर सेंसर हो गया, तो वो सभी यहाँ पे दे रखे हैं और आपकी ट्रैकिंग जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छी मिल जाती है। बट देखो मैंने हमेशा से रिकमेंड करा है वीडियोज़ में, आपने नोटिस किया हो तो, कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न रखते हैं या बहुत दिक्कतें आपको हैं तो प्लीज़ आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स पे ही रिलाई कीजिए। वॉचेज आपको टेंटेटिव आइडिया देने के लिए होती हैं। अब रही बात यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग को लेकर, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इवन आपको यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग वाली जो एक्सरसाइज वाली चीज़ होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और हाँ, जो फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग की हम लोग बात करते हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकल्स जो है वो आप यहाँ पे वॉच पे ही ट्रैक कर सकते हो। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो मेरे से यहाँ पे कोई भी कसर छोड़ी नहीं, सभी आपको मिल जाएंगे। अब रही बात कॉमन फीचर को लेकर, तो आपका अलार्म हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अलग फीचर्स क्या आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो उस पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट वाली चीज मिल जाएगी, जैसे अगर आप अपने वॉच के थ्रू अपने असिस्टेंट को वेक करना चाहते हो तो आप इजीली वो चीज कर पाओगे यहाँ पे। वर्कआउट के लिए 100 मोड्स प्रोवाइड कर रखे, डिफरेंट एक्टिविटी करने जा रहे हो, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप डिफरेंट मोड्स में जाकर परफॉर्म कर पाओगे, तो आपको बेहतर ट्रैकिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। वहीं इसके अलावा आपको जो है वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी, म्यूजिक कंट्रोल प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपको मिल जाता है फैंड में फोन वाला फंक्शन, जैसे इनकेस अगर वॉच कनेक्टेड है और आपका फोन कहीं रख दिया आपने तो आप वॉच के थ्रू उसको ढूंढ पाओगे। और कैलकुलेटर वाला फंक्शन जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया वो भी आपको वॉच में अवेलेबल कर रखा है, तो ऑन गो छोटी मोटी चीज़ें आप जो है वॉच पे कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में मिल जाएगा आपको कैलेंडर, फुल फ्लैच कैलेंडर प्रोवाइड कर रखा है भैया, आप यहाँ पे शेड्यूल वगैरह कर सकते हो, टैप अपने को रिमाइंडर्स वगैरह डालना तो वो भी आप डाल सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत सही लगा। इवन आपको कैमरा कंट्रोल भी मिल जाएगा, तो अगर आपको सेल्फीज वगैरह लेना है ग्रुप में तो आप वॉच के थ्रू एज अ बटन क्लिक करके फोटोज वगैरह ले सकते हो। बाकी सेटिंग्स में जाओगे तो मेन्यू स्टाइल्स के यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आप मेन्यू के स्टाइल चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वही आपका ऑलवेज ऑन मोड आपको ऑन करना है तो वो यहाँ से ऑन कर सकते हो। ब्राइटनेस बढ़ानी है, टाइमर बढ़ाना है, स्क्रीन टाइम आउट बढ़ाना तो वो कर सकते हो। वाइब्रेशन इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो वो आप बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग पे कर सकते हो इसको। नीचे आपको डाउन की सेटिंग देखने को मिल जाती है, अब ये कस्टमाइज, जैसे कि आपको मैं बताता ना कि नीचे वाला बटन जो वो कस्टमाइजेबल है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपको जो वॉच में डायरेक्ट एक्सेस करना है तो वो आप यहाँ से बटन दबा के कर सकते हो। इसमें आपको पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। मतलब अगर आप वॉच कहीं रखी हुई है आपने तो आपका कोई फोन पे जो ओटीपी वगैरह आती हैं तो कोई रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी सारे केसेस में हम लोग वॉच चार्जिंग पे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और ओटीपीज वगैरह आए तो कोई भी रीड कर सकता है, बट अगर लॉक लगा रहेगा तो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, तो आपको यहाँ पर लॉक वाला फंक्शन भी उन्होंने दे रखा है। तो वॉच की डिटेल्स तो काफी सही रहेगी यहाँ पर, बट आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन को लेकर। तो फिट क्लाउड प्रो करके इनकी एप्लीकेशन जिस थ्रू आप वॉच को कनेक्ट करने वाले, और वॉच कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज जो आपने कर रखी वो आप देख पाओगे, वॉच फेसेस बहुत सारे जो अवेलेबल कर रखे वो आपको एक्सेस मिल जाते हैं, चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो, तो वो सारी चीजें जो है आपको वॉच में यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगी। थर्ड पार्टी ऐप आपका एप्पल हेल्थ वगैरह हो गया वो भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। अब कंक्लूजन की बात कर ले तो कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन है इसकी प्राइसिंग, मात्र 3,000 रुपए की प्राइसिंग पे इस वॉच को लॉन्च कर रहे हैं, और पर्सनल सजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वॉच 3,000 रुपए में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। रीजन क्या है, एमोलेड डिस्प्ले का रीजन है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और थर्ड इसके लुक्स काफी सही मिल जाएंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके यूआई के साथ भी आपको। तो अगर ये 4 चीजें आपके दिमाग में है और अगर आप एक अच्छी वॉच ढूंढ रहे हैं एट द प्राइस ऑफ ₹3,000, तो ये वाली वॉच आपके लिए सही रहने वाली है। और ब्लैक कलर वाला ऑप्शन तो अच्छा है ही, अगर गर्ल्स के लिए अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये गोल्डन प्लस पिंक बेल्ट के साथ में एक ऑप्शन आता है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चेंज करना है तो जैसे चेंज हो जाएंगे आपके बेल्ट वगैरह, मार्केट में काफी सारे मिलते हैं, पिन वाले ऑप्शन दे रखा है तो निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक फटाफट से कर दो, और वो जो प्यारा वाला कमेंट है ना कमेंट करके जाया करो, ये कमेंट सेक्शन बड़ा खाली खाली से लगता है, कमेंट आते हैं ना तो खुशी होती है और रिप्लाई करने में बड़ा मजा भी आता है, तो कमेंट जरूर से कर देना। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहेगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।